try out yourself. That's what toy is. जैसे तितलियां और भवरे फूलों की ओर. भगवत गो मंडल गुजराती शब्द कोश प्रमाणे व्याख्या जोइए. कैसे हम बच्चों के लिए टीचर्स क्लासरूम में टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे. इस टॉपिक के संदर्भ में बच्चों ने हमारे सामने एक रोचक प्रश्न रख दिया. बच्चे खिलौनों की तरफ ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे तितलियां और भंवरे फूलों की ओर. यहाँ तक कि बच्चों को खिलौने ना भी मिले तो उनके आसपास से उन्हें जो मिल जाता है वो उन्हीं को अपना खिलौना बना लेते हैं. और यह बात हमें यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए टॉयज का क्या योगदान है. इसमें कोई संदेह ही नहीं है. Toys play an important role for the holistic development of a child. तो आइए कुछ language experts से जानते हैं कि वे toys के बारे में क्या सोचते हैं. A toy for me is to know something by doing, to have first-hand experience of doing something and understand in a better way. If you really want to do better in the field of doing something and having first-hand experience, toy is the best thing. Try out yourself. That's what toy is. Ramakadu. Bhagavad Go Mandal Gujarati Shabd Kosh Pramane Vyakhya Joye To Balak Khush Thai Ane Laine Rame Tevi Koi Vastu Ke Banavat Ane Ampan Apne Shabdo Alag Kariye To Ramakadu બાળકને રમત સાથે જોડતી કડી એટલે કે રમકડું. ખિલોના શબ્દ ખેલ ધાતુ મેં ઓના પ્રત્યે લગને સે બના હૈ. ખિલોના ખેલ કા એક સહાયક ઉપકરણ હૈ જિસકે માધ્યમ સે ખેલ કો ઓર જ્યાદા આનંદદાયક બનાયા જા સકતા હૈ. ખિલોના બચ્ચો કે મનોરંજન કા એક સાધન હૈ. ઇફ આઈ ટ્રાય ટુ એક્સટ્રેક્ટ ધ એસેન્સ ઓફ વોટ ધીઝ એક્સપર્ટ્સ સેડ આઈ વુડ સે ટોયઝ આર સિમ્પલી ઓબ્જેક્ટ્સ વિચ ચિલ્ડ્રન યુઝ ટુ એન્ટરટેઇન ધેમસેલ્વ્સ વાઇલ simultaneously exploring the world around them and learning to express their emotions. Next is, what is toy-based pedagogy? Toy-based pedagogy is a teaching-learning approach which is based on learning through toys and games. Khilona chahe simple ho ya complex ho, bachcho ko kuch na kuch to sikhai deta hai. Toys play an important role for comprehensive development of a child. और इसी बात को ध्यान में रख के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी को एक खास स्थान दिया गया है. तो आइए देखते हैं कि टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी क्यों ज़रूरी है. इस टॉपिक के संदर्भ में बच्चों ने हमारे सामने एक रोचक प्रश्न रख दिया. टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी को क्लासरूम में या स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉय एरिया या तो टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया जा सकता है. इस टॉय एरिया में हम ऐसे टॉयज़ रख सकते हैं जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन जैसी स्किल्स डेवलप हो. इस टॉय एरिया के अंदर कुछ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल टॉयज़ भी रख सकते हैं जिसकी सूची आपको यहाँ पे दिख सकती है. इस टॉय एरिया में कुछ इंडिजिनस
बोर्ड गेम्स भी रख सकते हैं जो आपके टॉय एरिया की शोभा बढ़ा सकती है। टॉय एरिया के अंदर यूजफुल नंबर ऑफ टॉयज़ की संख्या बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम टॉयज़ खरीदे ही, ऐसे बहुत सारे टॉयज़ है जिसका निर्माण टीचर कर सकता है। और इसके साथ हम एक बात की पुष्टि भी कर सकते हैं जिसका उल्लेख निष्ठा में किया गया है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट टॉयज़। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दो बुक्स के नाम दे रहा हूँ, खिलौनों का खजाना एंड जॉय ऑफ मेकिंग इंडियन टॉयज़। इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे खिलौनों को किस तरह से बनाया जाए लो कॉस्ट में, ये अच्छी तरह से समझाया गया है। सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू रीड दीज बुक्स। टॉय एरिया को एनरिच करने के लिए पपेट्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चों की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार के पपेट्स बनवा सकते हैं। इन पपेट्स को क्लास के अनुसार दिए गए पाठ या कविता से जोड़ के बच्चों की मदद से पपेट थिएटर के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल क्रिएटिविटी डेवलप होगी। यहाँ मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूँगी। जो भी टॉयज आप इस टॉय एरिया में रखेंगे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड टॉय। यहाँ एक क्वेश्चन उभर के आता है कि क्या टॉयज़, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, पजल्स एंड गेम्स आर दे सेम और नॉट। हियर आई वुड से इन माय ओपिनियन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कम विथ पर्टिकुलर फिक्स्ड टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, वेयर एज अ टॉय इज़ अ टॉय एंड टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। और अगर हम पजल्स की बात करें तो कुछ टॉयज़ ऐसे भी है जिसके अंदर अगर हमने चैलेंजेस ऐड कर दी तो पजल बन गया, और चैलेंजेस के साथ साथ हमने कोई सेट ऑफ रूल्स फ्रेम कर दिया तो वही टॉय गेम में रूपांतरित हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर गेम के अंदर टॉय का इस्तेमाल हो, बहुत सारी गेम्स ऐसे भी होती है जो विदाउट टॉयज़ खेली जा सकती है। लास्ट में इतना ही कहूँगा, टीचर हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट एंड क्रिएटिव इन हीज़ और हर अप्रोच वाइल यूजिंग टॉय बेस्ड मेथोडोलॉजी, कि टॉय का जो चार्म है वो भी लूज ना हो और बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें सीखें।